आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी का एक टॉपिक व्हीकल्स के बारे में। व्हीकल्स का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को अब हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले के जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह होम्योपैथिक फार्मेसी में व्हीकल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, व्हीकल्स को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुआ या फिर सॉल्वेंट। ओके, तो वर्ड मीनिंग की हम बात करते हैं तो व्हीकल जो है एक लैटिन वर्ड है, व्हीकुलम है, लैटिन वर्ड व्हीकुलम, जिसका मीनिंग होता है टू कैरी। ठीक है, किसी चीज़ को कैरी करके ले जाना। ठीक है, तो फार्मेसी में किसको कैरी करके ले जाएंगे, ये मेडिसिनल सब्सटेंस को। ठीक है, तो व्हीकल मतलब होता है ट्रांसमिशन या फिर कन्वेयंस। तो डेफिनेशन देखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ व्हीकल। सब्सटेंसेस विच आर ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट। ठीक है, व्हीकल एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कि केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना फिर अल्कलाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? केमिकली इनर्ट। थेरापूटिकली इनर्ट, थेरापूटिकली भी इसकी कोई थेरापूटिक पावर नहीं होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनिज्म में आगे कुछ चेंजेस करे। ठीक है, थेरापूटिकली इनर्ट हैविंग अ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऑफ देयर ओन बट इंटेंडेड टू कैरी द डायनेमिक पावर ऑफ अ ड्रग सेफली टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिसीज फोर्स। क्या बोला इन्होंने कि जो व्हीकल है खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें? कि इंटेंडेड टू कैरी। ठीक है, कैरी करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए डायनामिक पावर ऑफ ड्रग। ठीक है, जो डायनामिक पावर ऑफ ड्रग है उसको क्या करता है, कैरी करता है कहाँ पर? इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन के इंटीरियर मतलब अपने अंदर जब हम मेडिसिनल सब्सटेंस लेंगे वो कैरी कौन करेगा? व्हीकल। किसके लिए? टू फाइट द डिसीज़ फॉर, जो अपने अंदर डिसीज़ हुई है उससे फाइट करने के लिए। हम मेडिसिन कब लेंगे? तब जब हम बीमार पड़ेंगे, हमें डिसीज़ होगी तभी लेंगे। तो जो मेडिसिनल सब्सटेंस है वो कैरी करके कौन लेके जाएगा इंटीरियर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में? व्हीकल। व्हीकल रहेगा, उसमें अपनी मेडिसिन प्रिजर्व रहेगी, फिर जब हम डिस्पेंस करेंगे तब क्या होगा, डिसीज़ फोर्स से ये फाइट करेगी। ओके, तो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से रीड करती हूँ। सब्सटेंस विच आर ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट, थेरापूटिकली इनर्ट, हैविंग नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन बट इंटेंडेड टू कैरी द डायनामिक पावर ऑफ अ ड्रग सेफली टू द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिसीज फोर्स। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है जो भी अपना ड्रग सब्सटेंस है, ठीक है, किसी व्हीकल में हम डालेंगे उसको, उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ नेक्स्ट कि जो एक व्हीकल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक व्हीकल केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ही अल्कलाइन होना चाहिए। थेरापूटिकली इनर्ट होना चाहिए, खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कैपेबल ऑफ कैरिंग, जो ड्रग पावर है, जो डायनामिक ड्रग पावर है उसको ऑर्गेनिज्म में, इंटीरियर ऑर्गेनिज्म में कैरी करने की क्या होनी चाहिए, इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब क्या होना चाहिए, व्हीकल जो सब्सटेंस है वो हार्मलेस होना चाहिए। पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, जो अपना ड्रग सब्सटेंस है उसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं उस व्हीकल में, ये पावर होनी चाहिए एक व्हीकल में। स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एडिबल और पैलेटेबल होना चाहिए, अपन इसको खा सके ऐसा होना चाहिए। ये तो क्या थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल व्हीकल। ठीक है, एक आइडियल व्हीकल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस और यूटिलिटी ऑफ व्हीकल। ओके, कि यूजेस क्या है, अब व्हीकल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशंस और मदर सब्सटेंस। ठीक है, इसके लिए, इनकी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशंस और मदर सब्सटेंस की प्रिपरेशंस क्या होती है, ओल्ड मेथड्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर हैनीमैन ने दी है ऑर्गेनिक मेडिसिन में।
तो मदर टिंचर में सुपरफिशियल बता देती हूँ, मदर टिंचर जो होते हैं जो अपने एनिमल जो अपना वेजिटेबल किंगडम होता है उससे जो सोर्सेस से हम जो ड्रग सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं मदर टिंचर। केमिकल सब्सटेंस से जो हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं मदर सॉल्यूशन। और मदर सब्सटेंस भी हम तीनों लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ड्राइड होते हैं, जो लिक्विड व्हीकल में सॉल्वेंट नहीं होते हैं, उनको हम मदर सब्सटेंस में लेते हैं। ट्राइचुरेशंस और पोटेंटाइजेशंस, ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं। पोटेंटाइजेशन में ट्राइचुरेशन और सकशंस आती है। ट्राइचुरेशन से बहुत लंबी प्रोसेस है, सकशन भी, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो पोस्ट किया है। पोटेंटाइजेशन में जो अपना क्रूड ड्रग सब्सटेंस है उसको अपन क्वांटिटी कम करते हैं और उसकी मेडिसिनल पावर्स को अरोज करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो जैसे कि लोशंस हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, लिनिमेंट्स हो गए, जो हम एक्सटर्नल स्किन पे जो अप्लाई करते हैं उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो इसके प्रिपरेशंस में भी हम व्हीकल का यूज़ करते हैं। मेडिसिन को प्रिजर्व करने के लिए मेडिसिन बना ली, जैसे नक्सवामिका 30 है तो इसको हम प्रिजर्व काय में करेंगे, ग्लोब्यूल्स में करते हैं जो कि सुगर ऑफ मिल्क के बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन का भी एक यूज़ है व्हीकल्स का। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिंस, मेडिसिंस को हम किस में देंगे अपने पेशेंट्स को, एज अ फिजिशियंस हम किसको कैसी मेडिसिंस देंगे, किस में डिस्पेंस करेंगे, वो क्या है, व्हीकल रहेगा। एज अ डाइट, जैसे सिक बेबी है, जैसे सुगर ऑफ मिल्क अपना व्हीकल है जो कि गोट्स मिल्क से प्रिपेयर होता है, एज अ डाइट हम सिक बेबी को भी दे सकते हैं खाने के लिए। यूज़ एज अ प्लेसिबो, फाइटम या रुब्रम। प्लेसिबो क्या होता है, फाइटम और रुब्रम तीनों एक ही वर्ड है। प्लेसिबो एक ऐसी मेडिसिन है जब किसी पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है और हमें फॉर मेंटली पेशेंट्स को एश्योर करने के लिए मेडिसिन देते हैं जिसमें कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता है, ओनली व्हीकल होता है। तो ग्लोब्यूल्स हम देते हैं, स्प्रिट देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, एज अ प्लेसिबो, फाइटम या रुब्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल। यहाँ पे मैं सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल अच्छे से पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी का। तो सॉलिड व्हीकल्स होते हैं, सेमी सॉलिड व्हीकल होते हैं, लिक्विड व्हीकल्स होते हैं, तीन टाइप के व्हीकल्स होते हैं। फर्दर डिविजन्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एक बार यूजेस मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस, ट्राइचुरेशंस एंड पोटेंटाइजेशंस, प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, प्रिजर्वेशंस ऑफ मेडिसिंस, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ओके, एज अ डाइट सिक बेबी में, जो बेबी बीमार है अभी उसके लिए हम सुगर ऑफ मिल्क खाने को भी दे सकते हैं। यूज एज अ प्लेसिबो, फाइटम, रुब्रम या सैकलैक, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन में तीन पड़े, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड व्हीकल्स, ठीक है। ये तो था ऑल ओवर व्हीकल्स के बारे में। सुपरफिशियल मैंने तुम्हें बताया, व्हीकल का वर्ड मीनिंग, डेफिनेशंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए एक आइडियल व्हीकल की, एंड यूजेस एंड यूटिलिटी, ओके। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।